उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जटाशंकर स्थित शिवालिक स्कूल में सिख पंजाबी समाज के लोगों के बीच पहुंचे। सिख पंजाबी समाज ने सीएम योगी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन की पत्नी भी पहुंची और रवि किशन के पक्ष में वोट करने की अपील किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर व महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। सिख पंजाबी समुदाय को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील किया और कहा कि इस बार देश की बागडोर एक सुरक्षित हाथों में देना है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में हम सबकी उपयोगिता है, वोट जरूर डालें। उपचुनाव हारने पर बदनामी हुई थी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा 1984 में दंगे को लेकर जो बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है। वो पार्टी हर बुराई की जड़ है जो गलत बयानबाजी करती है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम की धमकी अब उसी की भाषा में जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। मोदी जब बोलते हैं तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के पसीने छूटते हैं। योगी ने कहा कि गोरखपुर में विकास हुआ है, एयर सेवाएं अच्छी हुई हैं, गोरखपुर में बदलाव हुआ है। हमें बिजली के लिए आंदोलन करना पड़ता था और जल्द ही एम्स पूरी तरह से चालू हो जाएगा। लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साह और उल्लास की तरह आप लोग मनाएं और वोट देने जरूर जाएं। जैसे मैं अपने घर से निकली हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ 19 तारीख को आप सब भी अपने घर से निकलेंगे, सुबह निकलेंगे 19 तारीख को और कमल के फूल पर अपना मतदान, कीमती मतदान देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है और सब महिलाएं जो घर काम करती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आप सभी से निवेदन करते हुए आप सभी सुबह निकलिए और अपना कीमती मतदान दें। उम्मीद करती हूँ आप सबका सहयोग रहेगा। सोनिया सानी जी से अपनीत गुप्ता जी आप आए। आप निर्मल सानी जी, आप ही का ये कैंपस स्कूल है। जो गुरु और शिष्य परंपरा की, जो बेवकूफ लोग कहते हैं कि संत महापुरुषों को राजनीति में नहीं आना चाहिए तो वो हमसे सीखिए। जब वहां बताया गोल्डन टेंपल पे महाराज जी जो हमारे पुजारी बैठते हैं अंदर और उसके ठीक सामने राजनीति का केंद्र बनाया अकाल तख्त, अकाल तख्त पर जो जत्थेदार बैठता है बोले गुरुद्वारा जटाशंकर के संरक्षक सरदार निर्मल सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा जटाशंकर, गोरखपुर में गुरु परंपरा पर विश्वास करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत छोटी सी सूचना पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं, केवल एक प्रचारात्मक कार्यक्रम, एक संवाद का कार्यक्रम आप सबके साथ में और चुनाव की व्यस्तता के बीच में मैं आपके बीच में दो शब्द बोलने के लिए आया हूं और खासतौर पर गोरखपुर वासियों के लिए ये कहने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र
लोकतंत्र में हम सब की अपनी भूमिका है। हम सब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करें और उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है कि मतदान करने के लिए जरूर जाएं। मैंने देखा है कि पिछले दिनों में गोरखपुर के उन आंकड़ों को उठा रहा था, गोरखपुर के उपचुनाव के दिन भी रविवार का दिन था और उस दिन गोरखपुर से 6,000 चार पहिया वाहन नेपाल घूमने के लिए गया था। यानी अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग 24,000 एक वाहन में चार भी माने तो 24,000 से 25,000 लोग उस दिन गोरखपुर में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किए बगैर नेपाल घूमने के लिए गए थे। और मुझे लगता है कि उसके बाद गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक में जिसको सचमुच लोक लाज होगी वह गोरखपुर के बाद उपचुनाव हारने के बाद देश के अंदर हंसी का पात्र बना था। क्यों मैं सच बोल रहा हूँ? और उस सच्चाई से ही आप सबको अवगत कराने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा आने का उद्देश्य यद्यपि गोरखपुर का सिख समाज हो, पंजाबी समाज हो, गोरखपुर का व्यवसायी समाज हो, गोरखपुर का हर सबका सदैव से हम लोगों के साथ सहभागी बनकर के गोरखपुर के विकास के लिए कार्य करता रहा है। मिलकर के हम लोगों ने गोरखपुर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और हम सब की हार्दिक इच्छा भी रहती है कि गोरखपुर हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के लोगों को जिन सुविधाओं से आजादी के बाद से ही वंचित किया गया था, उनकी उपेक्षा की गई थी, उस उपेक्षा से अब यह क्षेत्र उभरे, लोगों को शासन की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जब सुविधाओं का लाभ मिले तो वह अनवरत चलती रहे, यह भी हम सब की जिम्मेदारी होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के साथ हम सब का दायरा भी सामाजिक होना चाहिए। हम केवल अपने आप तक सीमित नहीं हो सकते, हमारा एक व्यापक दायरा होना चाहिए। हम अपने लिए सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने सिटी के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में भी सोचें, क्योंकि अंततः अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति मानता है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे तो ये उसकी अपनी गलतफहमी हो सकती है, ये उसका दुःस्वप्न हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। और इस दृष्टि से आपने विगत कुछ समय से कुछ बयान सुने होंगे। आपने कांग्रेस के एक बहुत बड़े जो कांग्रेस पार्टी के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के थिंक टैंक है, सेम पेत्रोदा, वह कांग्रेस को कब तक सेम करेंगे? आप इस बात को उनके कई बयानों को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। उन्होंने पंजाब में या पूरे देश के अंदर 1984 में जो नरसंहार एक पार्टी की सह पर हुए थे उन सबको कितने हल्केपन से लेकर के कितना हल्का बयान दिया है कि हुआ है तो हुआ है। यानी ये उस पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो पार्टी देश में शासन करने का सपना देख रही है, और वो पार्टी जो इस देश के अंदर समाज सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके इस देश की हर बुराई की जड़ बनी, वह पार्टी आज भी लगातार किस प्रकार की बयानबाजी कर रही है ये किसी से छुपावा नहीं है। भाइयों बहनों, ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के विघटन के बीच बोने का प्रयास करे और जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती हो, हमारी सामाजिक एकता को क्षति पहुंचती हो,
हम सब का विकास बाधित होता हो, हम सब की सामूहिक ताकत उसके इस प्रकार के विघटनकारी वक्तव्यों को सत्य के साथ रोकने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में पूरा देश एक साथ झूमता हुआ दिखाई दे रहा है और तब लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। आज जब देश पुलवामा की घटना के बाद अपना आक्रामक रवैया अपनाता है तो देश की सेना के साथ खड़ा होने की बजाय कुछ लोगों के वक्तव्य पाकिस्तान के समर्थन में आते हुए दिखाई देते हैं। ये चीजें क्या साबित करती है? और फिर उनके वक्तव्यों का सहारा लेकर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है। क्या भारत के अंदर 130 करोड़ की इस आबादी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत की रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए उस हर कदम का हमें समर्थन करना चाहिए जो हमारे अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करे, इस देश को सुरक्षित रख सके। उस पूरे अभियान के साथ भारत की 130 करोड़ की आबादी का समर्थन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और यही से प्रश्न खड़े होते हैं। आपने देखा होगा लगातार भारत को वैश्विक मंच पर सफलता मिल रही है। आप याद करिए 1965 के युद्ध को जिसने देखा होगा, 1971 के युद्ध को जिसने देखा होगा, उस समय के वैश्विक मंच पर जो तस्वीर थी उसको अगर आप देखेंगे या उसके बाद के अन्य सभी कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ उस संकट के समय में केवल एक देश खड़ा होता था, वह नाम था रूस। कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं होता था। और आज 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से भारत की 130 करोड़ की आबादी की ताकत का एहसास कराते हुए वैश्विक मंच पर भारत को कैसे सफलता मिल रही है, जहां 1947 से लेकर के 2014 तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भारत को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती थी और वैश्विक मंच पर केवल रूस के अलावा कोई भारत का सहयोगी नहीं बन पाता था। आज जब वैश्विक मंच की बात होती है तो चीन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के अंदर सारे के सारे देश आज भारत के समर्थन में खड़े होते हैं। यानी भारत का समर्थन विश्व में किस रूप में सामने आया है। अभी अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के मुद्दे को आपने देखा होगा, जो चीन हमेशा भारत का विरोध करता था, अंततः उसको भी पीछे हटना पड़ा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करके दुनिया के अंदर उसके भ्रमण पर रोक लगाई। दुनिया के अंदर से उसे कहीं से चंदा नहीं मिल सकता। दुनिया के अंदर उसकी जितनी संपत्तियां होंगी उन सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ अब भारत कर पाएगा। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और इसके परिणाम आने वाले समय में एक लंबे समय तक चलेंगे और लंबी दूरी तक ये परिणाम हमारे साथ दिखाई देंगे। यानी अब कोई भी भारत विरोधी तत्व भारत के अंदर किसी भी प्रकार की अलगाववादी और विघटनकारी गतिविधियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि वैश्विक मंच पर अब वह अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई देगा और भारत के खिलाफ कोई भी खड़यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। यह एक स्पष्ट संकेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस फैसले के बाद दुनिया के सामने यह स्थिति स्पष्ट हुई है। ये किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के निरंतर प्रयास के कारण। और ये प्रयास किस हद तक हुए हैं? मैंने अभी पिछले दिनों 21, 22 और 23 जनवरी को हम लोगों ने वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में 76 देशों के अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी परिवार आए थे, लगभग 7,500 की संख्या में। आप आश्चर्य करेंगे
कि मैंने 3 दिनों तक मैं स्वयं भी वाराणसी में था और अलग अलग देशों से आए हुए जितने भी प्रतिनिधि मंडल थे उन सब के साथ मैंने अलग अलग बैठक की और मैं जिससे भी बात करता था हर एक व्यक्ति एक बात कहता था और वह कहता था कि 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत अंतर आया है। 2014 के पहले वो कहते थे कि हम दुनिया के अंदर किसी देश में जाते थे तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था, लोग हमें बहुत हेय से देखते थे, हमारे प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद व्यापक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन इस रूप में जब हम दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो उस देश में हमारा पासपोर्ट देखने के बाद उस दूतावास के अधिकारीगण हम लोगों को इस बारे में कहते हैं, बड़े उसके साथ एक चेहरे पर उसकी चमक होती है और कहते हैं अच्छा आप पीएम मोदी के देश से हैं। यह एक पहचान हर भारतवासी की, हर भारतवंशी की, हर अप्रवासी भारतीय की दुनिया के अंदर इस रूप में बनती है और उसको व्यापक सम्मान मिलता है, उसको अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और ये परिवर्तन, ये परसेप्शन भारत का जो बदल रहा है दुनिया के अंदर, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसी प्रकार से देश के अंदर आपने देखा होगा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत अच्छी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। पहले चीन भारत की सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस जाता था, पिछले 5 वर्षों में डोकलाम की घटना, डोकलाम भारत के अंदर नहीं है, भूटान का भूभाग है, लेकिन भारत और भूटान की आपसी प्रीति के तहत भारत की सेना वहां पर उस सामरिक महत्व के क्षेत्र की रक्षा करती है और चीन ने वहां से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, भारत की सेना ने रोका। लगभग 2 महीने तक आपसी तनातनी चलती रही और अंततः दुनिया देखती रही अब क्या होता है, लेकिन अंततः चीन को पीछे हटना पड़ा और भारत की सेना आज भी डोकलाम में भारत की रक्षा कर रही है, भूटान के साथ साथ भारत की रक्षा का दायित्व वहां पर निभा रही है। यानी ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि भारत ने अपने सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पाकिस्तान, आपने देखा होगा पाकिस्तान का स्वर बदल गया है, पहले हर एक घटना में पाकिस्तान का हाथ होता था, हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का होता था, हाथ होता था और पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई की बात होती थी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम की धमकी देता था और तब भारत की सरकार से पूछा जाता था कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कहते कार्रवाई करेंगे लेकिन देखो भाई अगर बहुत लंबा खींचेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर दे। आज क्या हुआ है, आज तो आपने देखा होगा कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी पाकिस्तान देता है तो भारत भी इस बात को कहता है कि हमारे परमाणु बम भारत के अंदर यहां पर हमने उनको फूल बरसाने के लिए नहीं रखे हैं, तुम अगर कुछ करोगे तो उसके बदले में क्या होगा इसका अंजाम भी देख लो। आपने देखा होगा आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं भारत के अंदर लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के पसीने छोड़ते हैं। यह है भारत की ताकत। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने व्यापक सफलता प्राप्त की है और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, मुझे लगता है आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर के अंदर आपने इन चीजों को देखा होगा, गोरखपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ रही है, कुछ जगह जुड़ चुकी है, कुछ जुड़ने की प्रक्रिया में है, कुछ प्रकार चल रहा है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आपने देखी होगी, पहले गोरखपुर की केवल 1 वायु सेवा थी, आज दिल्ली के लिए ही 3 वायु सेवा है, आज कोलकाता के लिए प्रारंभ हो चुका है, मुंबई के लिए प्रारंभ होने वाला है, बेंगलोर और हैदराबाद प्रारंभ हो चुकी है, आने वाले समय में कोलकाता के साथ काठमांडू के साथ भी गोरखपुर का सीधा कनेक्शन होगा। यानी ये जो लोग गोरखपुर आने में घबराते थे, कहते थे अरे क्या गोरखपुर में कैसे जाएंगे, ट्रेन की 12-13 घंटे की यात्रा, आज उनके लिए हर अच्छी सिटी से गोरखपुर के लिए कनेक्टिविटी है, आ सकता है, आसानी से आ सकता है। ये बदलता हुआ गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर कोई सोचता था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हम लोगों को बिजली के लिए आंदोलन करना पड़ता था,
बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते थे, इसलिए नहीं थी। 40 वर्षों से इनसे प्लाइटिस से यहां बच्चे मर रहे थे, कोई पूछता नहीं था, न प्रदेश न केंद्र की कोई सरकार पूछती थी। 40 वर्ष में हर वर्ष अकेले अगस्त महीने में, अगर मैं आपके सामने आंकड़े दूं, तो 40 वर्षों के अगस्त महीने के अगर आंकड़े को आप उठाएंगे तो अकेले एक महीने में 40 वर्षों के दौरान गोरखपुर के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष 500 से 600 बच्चे भर्ती होते थे, 150 से 200 बच्चों की मौत होती थी एक महीने में। वे मासूम बच्चे थे, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे थे। 2 वर्ष पहले हमारी सरकार आई, हमने व्यापक कार्य योजना बनाई और पहले दिन से इस पर कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि मैं पिछले 20 वर्षों से स्वयं इस लड़ाई को लड़ता था, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ता था और मैंने उसी कार्य योजना को लागू कराया। आज उसका परिणाम क्या है आज आप देखेंगे। मैं हर दिन की रिपोर्ट स्वयं लेता हूं और लेने के बाद जब मैं पूछता था क्या हुआ, कहां क्या कार्य हुआ, कितना टीकाकरण हुआ, कहां सफाई का अभियान चला, कहां पेयजल की व्यवस्था हुई, कहां सीएससी, कहां पीएससी, कहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इन सारी चीजों को स्वयं नोट करने के बाद जब कार्य देखा गया पिछले वर्ष अगस्त में, आंकड़ों पर मेरी नजर थी और मैं पहले से ही तैयारी में भी था और मैंने इस बारे में भी कहा था कि मैं स्वयं इन बातों को देखूंगा। मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का विजिट स्वयं भी किया। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले वर्ष अगस्त महीने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 40 वर्षों से जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे भर्ती होते थे, पिछले वर्ष कुल 86 बच्चे भर्ती थे। जहां 150 से 200 बच्चों की मौत होती थी वहां पर कुल 6 बच्चों की मौत हुई है, कुल 6 बच्चों की मौत अगस्त महीने में। ये व्यापक परिवर्तन, गोरखपुर में कोई सोचता था एम्स बनेगा, आज गोरखपुर की एम्स की ओपीडी प्रारंभ हो गई है, हम जुलाई में वहां पे प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं और जब फुल प्लेस एम्स बनेगा तो आप देखेंगे कि गोरखपुर एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्वयं उभरता हुआ दिखाई देगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को, नेपाल के लोगों को भी उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, गोरखपुर में बैठे बैठे उनको सारी की सारी सुविधाएं गोरखपुर में प्राप्त होंगी। 2 वर्ष पहले तक क्या स्थिति थी, गोरखपुर का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर था, डॉक्टर नहीं थे, एमसीआई उसकी मान्यता को समाप्त करने के लिए सदैव नोटिस जारी करते थे। हम लोगों के सामने एक चुनौती भी थी, ये वही सुविधा आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी मिलनी शुरू हो चुकी है। 8 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए हम लोगों ने पूरा ब्लॉक बना दिया है और उसके साथ साथ उसमें उस प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति करके उसको संचालन की कार्रवाई भी प्रारंभ की है। एम्स बनेगा, फर्टिलाइजर कारखाना 26 वर्ष पहले बंद हो चुका था, लोगों ने गोरखपुर की तस्वीर क्या बना दी थी। मुझे याद है जब 1998 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन के भेजा था और मैं उस समय फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा गोरखपुर का खाद कारखाना चलवा दीजिए, तो मुझे देखने लगे, उन्होंने कहा कि आप कहां से चुन के आए, मैंने कहा गोरखपुर से, तो मुझे देखते रहे वो, मैंने कहा गोरखपुर से कैसे आप चुन गए, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, कहा देखो मैं एक बार गया था प्रचार में और जैसे मंच में भाषण देने के लिए गया तब तक वहां बम चलने लग गए, मैं उसके बाद गोरखपुर द्वारा नहीं गया कि भाई मैं भाषण तो कोई गोलीबारी में मर जाए, सारा दोष मेरे ऊपर आए। बहुत सज्जन आदमी थे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, बहुत वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे, पंजाब में भी उन्होंने पक्ष प्रदायित्व का निर्वहन किया, बाद में तमिलनाडु के लंबे समय तक गवर्नर थे। और ये तस्वीर थी गोरखपुर की, आज आप देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे आपके प्रति लोगों के मन में एक सम्मान होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि अपराध की नगरी से आए हैं, आज लोग कहेंगे कि अच्छी नगरी से आए हैं, धर्म और अध्यात्म की नगरी से आए हैं, ये पहचान आज आपकी होगी पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर। उस प्रसेप्शन को बदलने के लिए व्यापक कार्य हुआ। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना जो बंद था हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं, अगले वर्ष से हम उसको भी चालू करेंगे।
गोरखपुर में विकास की उन सारी प्रक्रियाओं को रामगढ़ ताल गोरखपुर की सारी गंदगी वहां गिरती थी। और मैं समझता हूं कि कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि गोरखपुर में इतना अच्छा पर्यटन का केंद्र यानी डल झील उसके सामने फेल हो जाएगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल के सामने। इस प्रकार की स्थिति गोरखपुर में हम गोरखपुर के वासियों को देने जा रहे हैं। उसके किनारे हम एक बड़ा चिड़ियाघर भी देने जा रहे हैं, उस पर भी इस साल के अंत तक हम लोग उसको प्रारंभ कर देंगे। सारी कार्रवाई एक एक करके प्रारंभ की जा रही है। गोरखपुर की सड़कों का चौड़ीकरण का है, ये लटकते हुए झूलते हुए तारों को अंडरग्राउंड करके लोगों को उससे मुक्ति मिले, कोई दुर्घटना ना हो और विद्युत की अनवरत आपूर्ति होती रहे। मैंने गोरखपुर के अंदर जब सर्वे कराया कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना मकान नहीं, जमीन है लेकिन मकान नहीं है, मेरे पास 28,000 संख्या आई। लोगों ने कहा कैसे हो, मैंने कहा नहीं, सबका मकान स्वीकृत कर दो, सबको 2.5-2.5 लाख रुपए स्वीकृत कर दो और जमीन का कागज लेकर के सबका पैसा आवंटित करो, वो अपना मकान उनके लिए मकान सरकार बना देती। 28,000 परिवारों को गोरखपुर में, हमने जाति तो नहीं देखी किसी की, कौन जाति के, गोरखपुर का वासी है, उसके पास जमीन है, उसको मकान मिलना चाहिए, हमने दे दिया। जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं, पैसा दो उनको, सबको दो। सड़कों का चौड़ीकरण कैसे हो सकता है, कैसे लटकते हुए तारों से मुक्ति मिल सकती है, ये सारी प्रक्रिया एक एक करके जल जमाव से मुक्ति के लिए एक उपाय बनाने के लिए कहा गया कि भाई सर्वे करो, गोरखपुर की समस्या का समाधान करो। ये अच्छी सड़कें, चौड़ी सड़कें जब गोरखपुर की होंगी तो गोरखपुर के हर व्यक्ति को एक मंच मिलेगा ना, गोरखपुर के हर नागरिक को एक व्यवस्था मिलेगी ना, और वह एक स्थिति आप सबके सामने प्रस्तुत करने का ही एक प्रयास जो गोरखपुर में है वही प्रदेश के अंदर है, और जो प्रदेश के अंदर है वही देश के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में उसी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और भाइयों बहनों मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, ये लोकतंत्र ने बहुत बड़ी ताकत दी है भारत के प्रत्येक नागरिक को। हर उस नौजवान को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर दी है, उस हर एक के पास एक अवसर है, देश के अंदर कैसी सरकार आप चाहते हैं। ये चुनाव नगर पंचायत का नहीं, ग्राम पंचायत का नहीं, हम लोग 5 साल कोसते हैं, एक कोसने की आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। जब अवसर आता है अवसर का भरपूर उपयोग करते हुए अगर हम कार्यवाही प्रारंभ करें, और मुझे लगता है वो अवसर है लोकतंत्र का पर्व का। क्या गोरखपुर के अंदर सभी समुदाय मिलकर के ये कर सकते हैं कि हम गोरखपुर में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएं, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो मतदान करने से वंचित हो, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे। पहले कार्य हमें मतदान करना है और इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इंतजार मत करिए कि आपके पास कोई बीएलए आएगा, कोई बीएलओ आएगा, कोई अन्य व्यक्ति आएगा, आप स्वयं मतदाता सूची में देखिए आपका नाम कहाँ है, आपका केंद्र कहाँ है, आपका बूथ कहाँ है। यद्यपि ये पार्टी के स्तर पर भी लोकतंत्र के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दूसरा कार्य, इनको चुनना है, क्या देश की बागडोर उन हाथों में आप सौंपेंगे। जो लोग आज देश के अंदर उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने भारत के अंदर व्यापक अशांति पैदा की थी, जिन घटनाओं ने, उन घटनाओं के बारे में कहते हो कि हुआ है तो हुआ है, ये क्या मतलब है, ये हुआ है का मतलब क्या है। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि 1984 में निर्दोष सिखों का कत्लेआम हुआ था। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि 1984 में यूनियन कार्बाइड के माध्यम से हजारों लोगों को जहरीली गैस से मारा गया था और उसके मुख्य अपराधी को उस समय की सत्ताधारी दल ने भारत से बाहर भेजने के लिए मदद की थी। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 2 वर्षों से मेरा प्रयास रहा है कि मैं स्वयं मोदीपुर या जटाशंकर या पैंडलेगंज के गुरुद्वारे में जाकर के वहां व्यवस्था में क्या योगदान हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करें, समय नहीं पाए। लखनऊ के गुरुद्वारों में तो मैं अक्सर गुरु पर्व के अवसर पर या कोई भी कार्यक्रम पड़ता है
तो मैं वहां बोलता हूं कि भाई मैं गोरखपुर नहीं जा पाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, मैं वहां जाता हूं। लेकिन मैं, मुझे कोई वो नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश के मध्यकाल का वह अवसर जब इस देश की धर्म संस्कृति खतरे में थी, जब भारतीयता खतरे में थी, तब सिख गुरुओं का जो योगदान है इस देश और इस धर्म को बचाने के लिए वो अविस्मरणीय है। उसको कभी भी कोई सच्चा भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ हमारा पुराना संबंध है और जित आत्मीयता के साथ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में इन सब का मिलना होता है तो सचमुच हम लोगों को अभिभूत करता है। और आज आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मैं आप सबसे यह अपील करूंगा, हम सब के लिए हमारा मत, हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब, हमारा सेक्ट, उपासना विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन याद रखना हम सबका एक धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है, मुझे लगता है कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। इस राष्ट्र धर्म की रक्षा सही मायने में कौन कर सकता है? यह भाव आज के दिन पर, इन चुनावों के अवसर पर हम सबको अपने मन में धारण करना होगा। सबसे पहला कार्य, हम मतदान करने के लिए अनिवार्य रूप से जाएं। और मैं खास तौर पर पंजाबी समुदाय और सिख समुदाय से बोलूंगा, जरूर जाएं मतदान करने के लिए। और घर घर लोगों को जागरूक करें कि हर एक व्यक्ति मतदान करेगा और मतदान करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पहले उपयोग करने की के लिए अपने मानस बनाने की आवश्यकता है। और फिर देश और समाज के बारे में सही चित्र सामने रख करके, इस देश को कौन सुरक्षित रख सकता है, देश को यशस्वी नेतृत्व कौन दे सकता है, भारत की समृद्धि के लिए कौन योगदान दे सकता है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक कौन पहुंचा सकता है, यह भाव हमारे मन में हो और इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं कोई कठिनाई देश के अंदर नहीं आ सकती है। मैं इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं यहाँ पर आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साह के साथ, मुझे लगता है कि जब उत्साह और उमंग की बात आती है तो पंजाबी समुदाय को उमंग और उत्साह के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, तो लोकतंत्र के इस पर्व को उसी रूप में ले जिया, पूरे उसके साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे। और पर्व को मनाते हुए हम लोग एक सही निर्णय देश के बारे में लेंगे, समाज के बारे में लेंगे। यह अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।